दोस्तों अगर आप भी राशन कार्ड में सुधार करना चाहते हैं तो अब आप बिल्कुल 2 मिनट में सुधार कर सकते हैं। ये हम सही बात कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन ऑनलाइन जो है राशन कार्ड सुधार का प्रक्रिया शुरू हो गया है, वो भी सभी स्टेट के लिए, यानी कि इंडिया में जो भी स्टेट है सभी स्टेट के लिए हुआ है। ऐसा नहीं कि दोस्तों हम बोल रहे हैं कि आप जाके बाद में जो है पता चले किसी और एक स्टेट का दिखा दें और आप सुधार नहीं कर पाए। इस वीडियो में बताएंगे कि सभी स्टेट का जो है आप सुधार कर सकते हैं बिल्कुल 2 मिनट में ऑनलाइन से जो है ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो है राशन कार्ड में सुधार करना है, चाहे आपको नाम सुधार करना हो या डेट ऑफ बर्थ सुधार करना हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, जो भी डिटेल्स होता है फैमिली मेंबर में, सभी कुछ जो है सुधार आप कर पाएंगे राशन कार्ड में। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। आप अपने फैमिली मेंबर में जितना भी लोग होता है, जैसे राशन में जितने व्यक्ति का नाम है, जिसका भी सुधार करना चाहते हैं खुद से कर सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। बिल्कुल ऑनलाइन शुरू हुआ है, भारत सरकार के द्वारा नया जो है ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते, उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा नीचे कमेंट कीजिएगा और आपको सुधार के बारे में कैसा वीडियो लगा ये भी जानकारी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं डायरेक्ट अपने मोबाइल की तरफ। इसके लिए सिंपली दोस्तों चले आना है प्ले स्टोर में, सर्च कीजिएगा मेरा राशन। जैसे आप सर्च करेंगे मेरा राशन तो आपको ये नया एप्लीकेशन मिलेगा, मेरा राशन 2.0। दोस्तों ये भारत सरकार के द्वारा जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत जो है ये ऑफिशियली ऐप लॉन्च किया गया है। इसके जरिए बहुत सारे सर्विसेज मिल रहा है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। ऐसे आपको दोस्तों हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली देख सकते हैं बेनिफिशियरी लॉगिन है और साथ में दोस्तों ये डिपार्टमेंट वाला है, तो बेनिफिशियरी यूजर वाले में यहाँ पे आपको अपने फैमिली में किसी भी मेंबर का आधार कार्ड नंबर डालना है और लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं और जैसे आप लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा वेट करना है जब तक ओटीपी ना चला जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी सफलतापूर्वक भेजा गया, लिख दिया और यहाँ पे दोस्तों हमको जो है मोबाइल पे मैसेज आ गया। दोस्तों आपको बता दें ये जो काम करने के लिए आपको राशन कार्ड से रिलेटेड सारे सर्विसेज के लिए जिसके आपके घर में जिस भी व्यक्ति के नाम आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही वाला आधार नंबर डालिएगा, क्योंकि ओटीपी जाता है तो हमारे आधार नंबर में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी आ गया है। तो मान लीजिए आपके अगर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर तो आप डालिएगा अपना आधार नंबर, नहीं तो आप दूसरे व्यक्ति का डालिएगा। मान लीजिए क्योंकि बिना आधार में मोबाइल नंबर लिंक का आप दूसरे इस ऐप के जरिए कोई भी सर्विस नहीं ले सकते, तो किसी भी व्यक्ति का जरूर सब लोगों का लिंक हो चुका है। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एमपिन। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे अगर आप एमपिन क्रिएट कर लेंगे तो बार बार ओटीपी का लफड़ा नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर लॉगिन करेंगे सेम प्रोसेस होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट एमपिन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम एमपिन क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी सिंपल सा आप डाल दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कन्फर्म फिर एमपिन डाल देना है, इससे हम दोस्तों बार बार इसे लॉगिन कर पाएंगे। फाइनली यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते थे। तो हमने दोस्तों इस तरीके से आ गया, अब आपके सामने जो है इस तरीके से आपका राशन कार्ड ऊपर में दिखेगा। आप दोस्तों चाहे तो आप राशन कार्ड इसे डाउनलोड पे क्लिक करके इस राशन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं इस तरीके से पीडीएफ में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल फैमिली मेंबर का डिटेल्स भी दिखेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, देख सकते हैं मैनेज फैमिली डिटेल्स, इस पे वाले पे आपको जो है क्लिक करना है, टोटल फैमिली का डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है सबसे पहले सारे आदमी का डिटेल्स दिखेगा, तो यहाँ पे आपको दोस्तों दिखा रहा है आधार केवाईसी नॉट वेरीफाइड, तो इससे घबराना नहीं है, ऐप का बग है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपना केवाईसी कंप्लीट करा लिया है, क्योंकि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको सुधार कैसे करना है ये मुद्दा वाली बात है, तो सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का आपके फैमिली में सुधार करना है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल का बटन बना हुआ है, यहाँ पे जिस पे सुधार करना है उस पेंसिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप सच में सुधार करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 9 स्टेप में टोटल आपको जो है सुधार का प्रोसीजर आएगा। सबसे पहले जो डिटेल्स आपने पहले से दे रखा है वो यहाँ पे शो करेगा, आप जो भी चीज सुधार करना चाहते हैं, जैसे नाम ऑलरेडी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ रहा है, अगर आपको ये भी सुधार करना है तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नाम लिखने के बाद आपको लोकल लैंग्वेज में भी आपको लिखना, देखिए लोकल लैंग्वेज मतलब आपको जो है जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ हिंदी में जो लिखा जाता है तो हम हिंदी में यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों लोकल लैंग्वेज मान लीजिए अगर अदर स्टेट से आप है बंगला में है तो बंगला में लोग लिखेंगे, तो लोकल अपना लैंग्वेज आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो फिर आपको मदर्स नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, लोकल लैंग्वेज में भी आपको लिखना है, यानी कि हिंदी में आप है तो हिंदी में, नहीं तो जिस भी भाई अच्छा है। मैरिड स्टेटस बताना है, मैरिड है अनमैरिड है, सबका यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जो लोग डिवोर्स किया हुआ है उनका भी ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे सबका ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेवर मैरिड है तो यहाँ पे इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी में इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी भी हम डाल देते हैं अपना, जो भी ईमेल आईडी है, और उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक
क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट वाले डिटेल्स में जो है यहाँ पे जो व्यक्ति अगर आपके पास पहचान पत्र है यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड होता है तो आप ईपिक नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे चाहे तो नरेगा कार्ड वाला भी डिटेल्स डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों भी नहीं है, पहचान पत्र भी नहीं है तो आप ओनली आधार नंबर भी डाल के यहाँ पे काम चला सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। डालने के बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है इसमें आपको जो है क्या आप करते हैं, जैसे जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या दोस्तों हाउसवाइफ है या नॉट एप्लीकेबल कुछ भी आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपको सब कुछ का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टूडेंट है, टीचर है, मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर में कोई भी व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। एनुअल इनकम आपको डाल देना है यानी कि सालाना क्या इनकम है उनका, जो भी सुधार करना चाहते हैं जिस व्यक्ति का, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं 1,20,000 जो भी आपका इनकम होगा डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों एडिशनल डिटेल्स में आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी कैटेगरी है जनरल है ओबीसी है एसटी एससी जो भी आता है आप अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में फुल नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा दोस्तों रिलेशन आपको दोस्तों बताना है जो हेड है आपको राशन कार्ड का, यानी कि जिसके नाम से राशन कार्ड ज्यादातर जो है माता के नाम से होता है यानी कि फैमिली के जो मुखिया ऐसे तो लेडीज के नाम से राशन कार्ड होता है, तो उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे जो जिसका भी जो रिलेशन होगा यहाँ पे सबका ऑप्शन बताना है, जैसे उनके साथ क्या आपका रिलेशन है, तो यहाँ पे देखिए नीचे तक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सबका ऑप्शन मिल रहा है, फादर सिस्टर मदर हर चीज का, यहाँ पे मदर्स कर देते हैं। और यहाँ पे ब्राउजर सेलेक्ट करके आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट याद रखिए या तो गैलरी से कर सकते हैं, नहीं तो कैमरा डायरेक्ट चालू करके भी आप कर सकते हैं। कैमरा किए तो यहाँ पे दोस्तों हम कोई भी एग्जाम्पल के लिए कैमरा से फोटो खींच लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे डेमो के लिए अपलोड कर रहे हैं, फिर आपको अपना ओरिजिनल जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ से अगर दोनों तरफ का करना है तो फिर से कैमरा पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो ये दोस्तों आपको ये देख सकते हैं दोनों तरफ का, अगर मान लीजिए बहुत सारी परिस्थिति में होता है तो चाहे दो पेज है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहते हैं बैंक डिटेल्स डालना तो बैंक पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे किसी भी तरह का विकलांग है उस जिस व्यक्ति का आप सुधार कर रहे हैं, तो अगर आप सुधार में जो है यहाँ पे विकलांगता है उनके पास कोई चीज, तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी वाले पे सिलेक्ट करके डिटेल्स डालना है, नहीं तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे किसी भी तरह का जो है क्रिटिकल प्रॉब्लम उनके साथ है यानी कि इनलेस मतलब कोई बीमारी है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे सबका ऑप्शन मिल रहा है। जैसे बहुत बहुत सारे लोगों को क्रिटिकल बहुत बड़ा बीमारी हो जैसे हार्ट अटैक का कैंसर का कोई प्रॉब्लम्स होता ही है तो यहाँ पे वो बता सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको जो है इसमें भी अनटिक करके और आपको आगे जो है यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नहीं तो आपको जो है डिटेल्स को फिलअप यहाँ पे सर्टिफिकेट भी उनका अपलोड कर सकते हैं। जो दिक्कत है तो सबके पास होता है, जैसे कैंसर हो रहा है तो कैंसर हुआ है तो आप उनके पास डॉक्यूमेंट होगा ही, और अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है फर्स्ट टाइप में यहाँ पे हम आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, सबका ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप सुधार करने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है आप देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आधार कार्ड कर लिए, आधार कार्ड नंबर डाल देंगे यहाँ पे हम फर्स्ट। हो सकता है कि आप वोटर आईडी कार्ड डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो, तो आपको अलग अलग परिस्थिति में जो है जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है आप देख ही रहे होंगे, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन है तो आप अपने अनुसार जो है डाल दीजिएगा यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नंबर। और उसके अलावा दोस्तों वो डॉक्यूमेंट कब इशू किया गया था, यहाँ पे कैलेंडर के अनुसार जो है आप साल से लेके मतलब डेट तक अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ब्राउज पे क्लिक करके आप दोस्तों गैलरी से या फिर आप अपने कैमरा से लाइव फोटो खींच के आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं इस तरीके से। और आप दो पेज है तो आपको फिर से ब्राउज पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे कैमरा से फिर से खींच सकते हैं यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोनों बगल का आप फोटो खींच लीजिएगा। उसके अलावा जो है सेकेंड वाला जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये भी डालना है, तो इसमें भी आप चाहे तो आधार कार्ड गैस सिलेंडर का भी रिसिप्ट हो गया, यहाँ पे अलग अलग हाफिडिफी भी है, डेथ सर्टिफिकेट भी है, एक डॉक्यूमेंट में सेल्फ डिक्लेरेशन भी है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें भी आधार कार्ड ही करेंगे और यहाँ पे भी इसका जो आधार नंबर है यहाँ पे डाल देते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि दोस्तों वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको उसका भी इशू डेट डाल देना है कैलेंडर से सेलेक्ट करके, और फिर से यहाँ पे आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है इस तरीके से, कैमरा से खींच के डालिए या फिर आपके गैलरी में है तो गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। दोनों तरफ का आपको फिर से ब्राउज पे क्लिक करके फिर से सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों ये भी सबका यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही इसी तरीके से फिर से